और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दो डिफरेंसेस हैं जो बड़े कारगर साबित होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अब तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तो कहीं पे भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रही नहीं, लेकिन लास्ट 2-3 वीक्स में जो स्पेशली लाहौर में काम हुआ है उसमें कुछ प्राइवेट डेवलपर्स की सोसाइटियों में लोगों ने शॉर्ट टर्म्स में काफी अच्छे पैसे गेन किए हैं। अदरवाइज जो बाकी सूरत हाल रही स्पेशली DHA लाहौर की, तो शॉर्ट टर्म में मेरा ख्याल है कि अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जो शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सके। मासवाए DHA लाहौर फेज 9 टाउन में जहां पे जो अंडरपास बन रहा है उसकी वजह से 20 से 25 लाख रुपया रेट्स में इजाफा देखा गया है। ये एक इन्वेस्टमेंट जो थी DHA फेज 9 टाउन की, इसमें हमने अच्छा खासा गेन देखा। ओवरऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी मेरे हिसाब में DHA लाहौर में कहीं बनती नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई दोस्त पार्टिसिपेट करते हैं उनके माइंड में कम अज कम 2-3 साल होते हैं, तो वो हमेशा बल्कि 90% जो है वो प्रॉफिट गेन करते हैं रियल स्टेट में, जो एक पर ईयर ग्रेजुअली जो है वो मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव होता है उसका। बीच में कुछ चौके छक्के भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने आजकल की मार्केट में आपने सरमाया इन्वेस्ट करना है तो आपको यही जेन में रखना है कि आपने साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि अभी मुझे फिलहाल 2-3 माह के अंदर अंदर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही। गो के प्राइवेट डेवलपर्स की चंद सोसाइटियां हैं जहां पे कुछ हमारे ब्रोकर हजरात जो है वो कुछ 50-60 मिलके कोई मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट लेफ्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है अभी मुझे फिलहाल तो कोई शॉर्ट टर्म ऐसी नजर नहीं आ रही जहां पे आपको जो है वो 3 महीने में या 4 महीने में कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए। दोस्तों नाकिस राय के मुताबिक मेरी ये तजिया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वाले तो हमेशा हैप्पी हैं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए कि अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि DHA के किसी भी सेक्टर में शॉर्ट टर्म कोई बूस्ट आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।